मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। हमीरपुर जिला कांग्रेस द्वारा हमीरपुर जिला की सीमा उखली से लेकर हमीरपुर बाजार तक जगह जगह सुनील बिट्टू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत करते हुए पटाखे फोड़े गए व लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया गया। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने सुनील बिट्टू का उखली में स्वागत किया तो इस मौके पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर, जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वागत समारोह के दौरान भोटा चौक से लेकर गांधी चौक हमीरपुर तक रैली भी निकाली गई, जिसमें सुनील शर्मा बिट्टू का अभिनंदन भी किया गया। गांधी चौक पर रैली के दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले दिन से ही विकास की राजनीति शुरू की है और हमीरपुर जिला सहित प्रदेश में एक समान विकास करवाया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। सबसे पहले तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस बड़ी जिम्मेवारी के लिए मुझे काबिल समझा और मैं कोशिश करूंगा प्रदेश की जो जिम्मेवारी है उसके साथ साथ जिला हमीरपुर के जो भी उनके आदेश होंगे, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो नीतियाँ होंगी उनको हम लोगों की सुविधा के लिए दिन रात मेहनत करके करेंगे ताकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से लोगों को राहत मिले और उनकी सुविधाओं के अच्छे कार्य हों। और हमें ये आदेश जो है पहले दिन से ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा दिया गया है, उसके अनुसार कार्य करेंगे। और आज के लिए जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कांग्रेस के समाज के साथ हैं हमारे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे विधायक जो है खुलेआम घूम रहे हैं, ना तो किसी होटल में बंद हैं ना तो किसी फाइव स्टार में बंद हैं। जयराम जी, जो ठाकुर सुक्खू जी अच्छे काम कर रहे हैं, माइंड डाइवर्शन के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका कोई भी मायने नहीं है। अब उनका समय खत्म हो गया है और सुक्खू सरकार का समय शुरू हो गया है।